Hello friends, welcome to DCC Learning. In this video, we will discuss how to crack RIC exam in 30 days or 30 days preparation strategy. हम लोग discuss करेंगे 30 days preparation strategy, किस तरह से आप prepare कर सकते हैं. And मैं यहाँ पे as a student point of view आपको बताऊँगा, ठीक है, student के हिसाब से, students point of view के हिसाब से इस exam को किस तरह से preparation करना चाहिए. एज ए टीचर तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे कुछ इनपुट रहेगा, आप लोगों के लिए कुछ सजेशंस रहेगा, लेकिन अगर मैं आपके जगह होता, एक स्टूडेंट होता, तो मैं कैसे प्रिपेयर करता या फिर आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, व्हाट शुड बी योर परफेक्ट अप्रोच. ठीक है, परफेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए जिससे आप जो है इस एग्ज़ाम को इजिली क्रैक कर सकते हो. ठीक है, देखो बहुत आसान है इस एग्ज़ाम में इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस को करेक्ट करना. अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से, मतलब इंग्लिश ग्रामर में नॉलेज आपका अच्छा है, तो 20 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करना बहुत ईजी है, जिससे आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, 40 मार्क्स मिल जाएगा रीजनिंग में. ठीक है, मैं सब कुछ बता देता हूँ किससे कितना मार्क्स आ सकता है, ईजिली आप ला सकते हो, उसके बारे में बात भी कर लेते हैं हम लोग. और देखो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन से आराम से आप जो है ऑल क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो. कैसे करोगे उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें भी बताऊंगा, लेकिन उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप 25 क्वेश्चन जो है करेक्ट कर सकते हो, 25 क्वेश्चन. ठीक है, इंग्लिश में तो 20 क्वेश्चन से पूरा 20 आप करेक्ट कर सकते हो, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में इजिली 25 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो. वो कैसे कर सकते हो वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा. इसमें हम लोग 30 डे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इन सब चीज़ के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर भी सेपरेट वीडियो होगा. तो 25 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको 50 मार्क्स मिल जाते हैं. ठीक है, 50 मार्क्स मैं आपको प्लस माइनस सब कुछ करके बता रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट होता है आरआई में वो होता है रीजनिंग. ठीक है, रीजनिंग क्या होता है, देखो क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट लास्ट ईयर हमने देखा थोड़ा लेंदी पेपर था, मतलब रीजनिंग का पेपर क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी था. तो अगर आप रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग में टोटल जो है 30 क्वेश्चंस रहते हैं. तो एज्यूम करते हैं कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया, तो आप जो है 25 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे भी जो है आप 50 मार्क्स तो ला सकते हो. ठीक है, इन इसका स्ट्रेटजी, मतलब आप कैसे टोटल 160 में से, ठीक है, टोटल 160 में से 140 कैसे ला सकते हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. इस स्ट्रैटेजी 30 डे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जिससे आपका आरआईसी क्रैक हो सकता है. ठीक है, आरआईसी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो. देखो किसी का अगर 90% से ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है, किसी का अगर 90% से ज़्यादा मार्क्स है, तो उसको 110 के अप्रॉक्स चाहिए, 110 से 120 चाहिए. ठीक है, अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आता है ना, थोड़ा कम मार्क्स होगा तो भी चलेगा. ठीक है, तो मैं आपको एक आइडियल बताऊंगा कितना, मतलब किसको कितना मार्क्स लाना चाहिए. 90% मार्क्स तो 110 से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन चांस है. 80% या इससे प्लस है, उससे ज़्यादा है, तो आपको 120 से ज़्यादा लाना पड़ेगा, 120 से 130 के बीच में लाना पड़ेगा. अगर आपका 70% से ज़्यादा मार्क्स है तो उसके समय 130 जो है आपको लाना पड़ेगा, 130 से 140 के बीच में. एंड अगर आपका 60% सिर्फ 60% मार्क्स है तो उस केस में आपको 140 लाना पड़ेगा. लेकिन ये मैं जनरल का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं अनरिजर्व्ड या जनरल का बात कर रहा हूँ. ठीक है, जो कोई भी मतलब रिजर्व कैटेगरी से नहीं है उनके बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप जो है किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी एससी एसटी, तो यहां से आप -10 मार्क्स कर सकते हो, -10 मार्क्स आप कर सकते हो. मतलब 90% से ज़्यादा मार्क्स तो 100 मार्क्स में भी हो सकता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो. 80% है तो 110 में हो सकता है, जितना मैंने लिखा है उससे -10 आप कर सकते हो एंड आपका सिलेक्शन हो सकता है इजीली आरआईसी के एग्जाम में. ठीक है, लेकिन देखो मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप जो है 110 लाओ. मैं आपको हमेशा बोलूँगा कोशिश हमेशा बेहतर करने के लिए करना चाहिए, होप फॉर द बेस्ट. आप प्रिपेयर भी ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बेस्ट, हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करना है, बेस्ट मार्क्स लाने के. तो 140 मार्क्स का हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा. तो सबसे पहला चीज़ कि हमको आरआईसी के एग्जाम का सिलेबस को जानना पड़ेगा. ठीक है, तीन सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्वेश्चन किसमें कितना आता है मैंने बता दिया आपको. टोटल जो है 80 क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन का जो है 2 मार्क्स रहता है, तो कितना टोटल हो जाएगा 160 मार्क्स. 160 मार्क्स का पेपर होता है. तो जो इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए कौन सा जो है सिलेबस है, ये डिटेल सिलेबस है आरआईसी के एग्जाम का पूरा. यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हो. 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी 30 क्वेश्चन 60, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन 60, टोटल इतना है. 2 आवर का तुम्हारा एग्जाम टाइम होता है. माइनस मार्किंग है, 1/4 माइनस मार्किंग, मतलब 0.5 का माइनस हो जाएगा. अब देखो इंग्लिश में कितना टॉपिक है. इंग्लिश में आपका कॉम्प्रहेंशन सबसे पहला टॉपिक, सेकंड रीअरेंजिंग सेंटेंसेस एंड सीक्वेंसिंग जो है पूरा सेम चीज़ है, थोड़ा थोड़ा अलग है लेकिन लगभग सेम चीज़ है. ठीक है, हम इसको मतलब एक टॉपिक मान सकते हो, लेकिन चलो मैं इसको लिख देता हूँ.
ठीक है, इसको मैं सीरियल लिख देता हूँ कितना टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे आपका 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, कॉम्प्रहेंसन पहला टॉपिक, फिर रियरिंग सेंटेंसेस, फिर सुइटेबल सिलेक्टिंग सुइटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक्स। ठीक है, फाइंडिंग एरर, फाइंडिंग सेम मीनिंग द फ्रेज, फाइंडिंग सुइटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक, सिक्वेंसिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, प्रीपोजिशन, टेंस आर्टिकल, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। टोटल 13 टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली कितना टॉपिक है, 13 आपका सिलेबस में, ये पूरा RIC के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर आप RIC के ऑफिशियल सिलेबस में जाके देखोगे तो यही सिलेबस है 2023 के लिए भी। ठीक है, क्लियर। अब एक्चुअल में ये कितना टॉपिक है, कॉम्प्रेंसन एक टॉपिक हो गया, रियरेंजिंग सेंटेंस एंड सीक्वेंसिंग लगभग सेम है तो ये एक हो गया। ठीक है, उसके बाद सिलेक्टिंग सुइटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक्स जो है, ठीक है, एंड फाइंडिंग सुइटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक्स भी सेम एक ही टॉपिक है। ठीक है, तो तुम्हारा कितना टॉपिक टोटल होता है, ये तुम्हारा एक हो गया, ये तुम्हारा ये और ये मिला के दो, और ये तुम्हारा तीन। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा फाइंडिंग एरर फॉर द पार्ट ऑफ, ये एरर है, एरर वाला फोर्थ टॉपिक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स है, फिफ्थ। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब तुम्हारा टॉपिक है। सिनोनिम एंटोनिम को अगर आप एक टॉपिक लेते हो, इडियम को एक टॉपिक लेते हो, तो टॉपिक नंबर कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि टोटल 13 टॉपिक है। आप, मैंने आपको बता दिया कि कैसे 13 से कम है, अगर 13 मान के भी चलते हैं तो आपका 30 डेज में कैसे प्रिपरेशन हो सकता है वो बात करेंगे। देखो, तो ये तुम्हारा इंग्लिश के लिए पूरा जो तुम्हारा सिलेबस है, एक एक करके मैं सारा टॉपिक बताऊंगा इंग्लिश के लिए। आपको कोई भी एक अच्छा सा बुक चाहिए जिसमें ये जो टोटल 13 टॉपिक्स यहाँ पे लिखा है इसके अकॉर्डिंग जो है तुम्हारा होना चाहिए, प्लस जो है क्वेश्चंस आपको सफिशिएंट, हर एक टॉपिक से लगभग 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो मैं आपका टारगेट मैंने आपको दिया ना, 20 क्वेश्चंस है, हर एक में 2 मार्क्स है, 40 मार्क्स आपको इस इंग्लिश के पेपर में लाना है, 40 out of 40 पूरा लाना है। उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, पूरा टॉपिक वाइज आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, कोई भी एक अच्छा सा बुक उठा सकते हो, एंड हम जो है आपको ये वाला बुक प्रोवाइड करते हैं, ये अमेजोन पे भी ये वाला बुक अवेलेबल है, इसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक भी आपको होगा, डायरेक्टली जाके आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का बुक है, ये पूरा सिलेबस के वाइज है। ठीक है, देखो RIC लिखा भी है, RIC के एग्जाम के लिए ही है, बनाया गया है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमने इस बुक को सितंबर के महीने में बनाया, जब प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद RIC के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन किया, पता चला कि सिलेबस कोई चेंज नहीं होने वाला, तब यहाँ पे बनाया। एक्नॉलेज में बताया गया कि 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स फर्स्ट बैच में एनरोल हुए थे। ठीक है, कितना सिलेक्शन हुआ है, क्या 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज लिए थे, एंड सिलेक्शन जो है हमारा 500 से ज़्यादा बच्चे हुए हैं, 300 सिर्फ इंटीग्रेटेड के लिए हुए थे, एंड ऑल इंडिया टॉपर, ऑल स्टेट टॉपर, ऑल कैटेगरी टॉपर, ये सब हमारे ही डिसीज लर्निंग अकेडमी से ही हैं। इनका टेस्टिमोनियल भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया। तो ये बुक है, इस बुक को आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। इसमें देखो पूरा आपका टॉपिक वाइज सब कुछ है, यहाँ पे देखो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यहाँ पे है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एंड ये जो तुम्हारा रियरेंजिंग सेंटेंस एंड सीक्वेंसिंग को हमने एक ही टॉपिक में किया, क्योंकि ये पूरा जैसे मैंने बताया सेम चीज़ है। फिर फाइंडिंग सुइटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक्स एंड सिलेक्टिंग सुइटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक्स जो तुम्हारा लिखा है, इसको हमने एक ही टॉपिक में कर दिया। ठीक है, सिलेक्टिंग सुइटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक्स। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एरर, फिर उसके बाद फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम एंटोनिम, वोकैबुलरी, इडियम्स, ठीक है, इडियम्स, प्रीपोजिशन, टेंस एंड आर्टिकल, 11 में हमने कन्वर्ट किया है इसको। ठीक है, एंड प्रॉपरली हर एक टॉपिक का आपको प्रॉपर थ्योरी मिल जाएगा, ट्रिक्स मिल जाएगा कैसे कर सकते हो। यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, टिप्स फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्रहेंशन, कैसे आप जो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व कर सकते हो, उसके बारे में पूरा टिप्स है, 11 टिप्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर क्विकली कैसे पढ़ सकते हो उसके बारे में हमने बताया है। ठीक है, शॉर्ट समरी भी दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सफिशियंट नंबर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा इस बुक में। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, लगभग 50 क्वेश्चन, यहाँ पे 45 क्वेश्चन है। उसके बाद आंसर विद एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए है। ठीक है, ये तुम्हारा पहला टॉपिक था। ठीक है, इसी बुक का ही हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी बुक से आपको पढ़ना है, बेस्ट आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। फिर देखो टॉपिक 2 एंड टॉपिक 7 तुम्हारा रीअरेंजिंग सेंटेंस एंड सीक्वेंसिंग वाला है। ठीक है, दोनों चीज़ के ऊपर आपका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने होते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, प्लस उसके बाद जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन RIC के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे RIC के एग्जाम में आया था एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन हमने दिया है, प्लस आंसर विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली हर एक टॉपिक का हमने यहाँ पे जो कुछ रूल्स यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एरर्स कैसे करेक्शन करो, इवन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पे लिखा है, शॉर्ट समरी भी है, क्वेश्चंस है, एंड आपको आंसर विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा।
इस तरह से पूरा इस बुक को आपको कितना दिन लगेगा 30 डेज का प्रिपरेशन अगर आप करते हो। तो यहाँ पे मैंने बताया 13 तो टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से आप जो है एक दिन में एक टॉपिक तो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ो एक दिन और पूरा 13 दिन तक इंग्लिश पढ़ो फिर ये स्टार्ट करो फिर ये स्टार्ट करो, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा आपको। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा आप एक जो है, मैं अगर आपके जगह स्टूडेंट होता, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे जो डिस्कशन करूँगा वो प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी होगा। एज ए स्टूडेंट मैं आपके जगह पे होता तो क्या मैं फॉलो कर पाता, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो एक आप क्या बनाओगे, एक आप टाइम टेबल बनाओगे। ठीक है, एक टाइम टेबल आप लोग बनाना। ठीक है, टाइम टेबल कैसे बनाओगे, टाइम टेबल में आप जो है तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम दोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट के लिए तुम्हारा होगा टाइम टेबल। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट जो है दिन में 2 घंटा हर एक सब्जेक्ट्स को दो। ठीक है, एटलीस्ट दिन में 2 घंटा हर एक सब्जेक्ट्स को दो, एंड उसके बाद 2 आवर्स मोर अगर आपके पास टाइम होता है तो इसमें आप लोग जो है प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप जो है 7327813135 इसी नंबर पे कांटेक्ट करने से आपको टेस्ट सीरीज के बारे में डिटेल्स मिल जाएगा, फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो 2 आवर्स आपको टाइम देना है दिन में, टीचिंग एप्टीट्यूड को 2 घंटा, रीजनिंग एबिलिटी को 2 घंटा एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को आपको 2 घंटा देना है। 6 घंटा पूरा आपको पढ़ना है अच्छे से, प्लस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट करना है। देखो जो ऑनलाइन क्लासेस हमारा यहाँ से ज्वाइन किए हुए हैं वो बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो क्लासेस जैसे होता है क्लासेस करो। ठीक है, डेली हमारा क्लास होता है, लाइव क्लास होता है गूगल मीट के थ्रू, आपको पता है। ठीक है, गूगल मीट के थ्रू जो क्लास होता है वो अटेंड करो, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिले हैं, उन रिकॉर्डेड वीडियो को इन टाइम इंटरवल में देखो। अगर आपका मतलब ये जो 2 घंटा आप जो है गूगल मीट में लाइव क्लास करते हो तो बाकी जो 6 घंटा है रिकॉर्डेड वीडियोज़ को देखो, और उसके साथ साथ वहाँ पे इन जो बुक्स हैं बुक्स के हिसाब से चैप्टर वाइज जो है पढ़ के, कंसेप्ट तो हम पढ़ा देते हैं, रिवीजन करना है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन जो है लास्ट में दिया हुआ है इन सब क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है। पूरा स्ट्रेटेजी बता दूंगा एक एक करके। ठीक है, 3 बुक है, ठीक है, रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जो नहीं लिए हैं ले सकते हैं, लेकिन जो लिए हैं कैसे पढ़ोगे देखो। ओके, मैं 30 डेज बताऊंगा स्ट्रैटेजी, तो आप जो नहीं लिए तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी आरआई के लिए 45 डेज है। ठीक है, लगभग आरआई के लिए 45 डेज अवेलेबल है अभी, तो अगर आप आज भी ऑर्डर करते हो बुक तो उससे आपको लाइक मैक्सिमम 1 हफ्ता लगता है, 7 से 8 दिन फॉर एग्जाम्पल लगा आपको, तो तभी भी आपके पास 30 डेज आराम से रहेंगे। तो जो बुक नहीं लिए हैं उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी काम करेगा, लेकिन आपको बुक तुरंत ऑर्डर करना पड़ेगा ताकि आपको टाइमली मिल जाए और 30 डेज पूरा आपके पास रहे। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे एक दिन में क्या करना, पहला दिन कॉम्प्रहेंसन के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब इंग्लिश का एक टॉपिक, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक एंड रीजनिंग का एक टॉपिक आपको डेफिनेटली एक दिन में पढ़ना है। ठीक है, टोटल कितना टॉपिक है, देखो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, इंग्लिश में 13 टॉपिक है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको कम करके कितना बताया, 11, 12 ले लेते हैं। ठीक है, 12 टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कुछ कुछ रिपीटेड है, नाम अलग अलग है लेकिन सेम टॉपिक है, तो मान के चलो 12 टॉपिक है। 6 टॉपिक आपका क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड में है, और अगेन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो लगभग यहाँ पे 12 टॉपिक रीजनिंग में भी है। ठीक है, अब ये 12, 6 और 12 इसको कैसे हम लोग जो है कर देंगे, देखो तो आप क्या करोगे, आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का डेली 1 टॉपिक पढ़ोगे, डेली 1 टॉपिक। ठीक है, डेली 1 टॉपिक पढ़ोगे, रीजनिंग का डेली क्या करोगे, 2 टॉपिक पढ़ने का कोशिश करना, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का डेली जो है डेली कितना टॉपिक पढ़ना, डेली टॉपिक टू बी कवर्ड आपका क्या रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में 1, इसमें 2, इसमें 2, इस तरह से पढ़ोगे तो आपका 6 दिन में, ठीक है, आपका यहाँ पे इंटू 6 दिन के बाद जो है ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, अगर आप थोड़ा मोर लेवरियस स्टूडेंट हो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल 6 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर ही आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओनली इन 6 डेज, इस तरह से इस स्ट्रैटेजी से पढ़ते हो तो आपका 6 डेज में जो है तुम्हारा थ्योरी कवर हो जाएगा। ठीक है, 6 डेज में तुम्हारा क्या होगा, थ्योरी कवर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी आपने किया बुक से, कुछ क्वेश्चंस भी आपने किया, लेकिन मैं क्या बोलूँगा आपको, बुक से क्वेश्चंस करने के बाद आपको, क्योंकि टाइम है आपके पास, तो आपको फिर से एक और राउंड आपको करना है, जो क्या होगा, फास्ट रिविजन होगा। ठीक है, सेकेंड राउंड जो होगा, मैं यहाँ पे और अच्छे से थोड़ा लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो तो आपने पहले क्या किया, 6 डेज में, फर्स्ट 6 डेज में आपने फर्स्ट राउंड एक बार पूरा लिया। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपने क्या किया, फर्स्ट राउंड में आपने बेसिक रीडिंग लिया, मतलब अच्छे से पूरा टॉपिक को पढ़ा।
प्लस आपने बुक्स के एमसीक्यूज को किया, ठीक है, सेकेंड सिक्स डेज में, सेकेंड सिक्स डेज आपका सेकेंड राउंड होगा, ठीक है। ये जो सेकेंड राउंड होगा इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप फर्स्ट रिविजन करोगे जो थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी का क्या करोगे, फर्स्ट रिविजन करोगे, प्लस आप जो है आप फर्स्ट रिविजन करने के बाद आप जो है रिगरस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, मतलब बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे। ये जो रिगरस प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज हेल्प करेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन को बुक का क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, प्लस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन कर सकते हो, 6-12 दिन आपका चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में ना एक बेसिक इंट्रोडक्शन करके है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल देखो यहाँ पे 7 टॉपिक है, तो एक टॉपिक बच गया, ये जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस है और एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, एक और टॉपिक तुम्हारा है, बेसिक इंट्रोडक्शन बुक में लिखा हुआ है, इसको आप चाहो तो पहले या बाद में पढ़ सकते हो। अब देखो आपका 12 दिन चला गया है, ठीक है, इन 13th नंबर डे पे आप क्या करोगे, एक इसको आप फर्स्ट में भी रख सकते हो, देखो डेज आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन 13th नंबर डे पे आपका क्या होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो बेसिक रीडिंग आपका बेसिक तुम्हारा जो मतलब है बेसिक इंट्रोडक्शन जो बुक में दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ क्या है वो बेसिक इंट्रोडक्शन, ये वाला, ठीक है, ये जो बुक आपने लिया हुआ है इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जो कि लगभग 50 पेज का है, 1-14 आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि इन चैप्टर्स के अंदर नहीं है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग क्या है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग ट्रेनिंग एजुकेशन ये सब क्या होता है, नेचर ऑफ ए टीचर, क्वालिटी ऑफ ए टीचर, रोल ऑफ ग्रेट टीचर, ये सब बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत बार ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, टीचर का टास्क क्या होता है, क्वालिटीज क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज, डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ ए टीचर, ठीक है, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ ए टीचर, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर और ग्रेट टीचर, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, ये सब चीज, ठीक है। उसके बाद जो रिसेंट करंट ट्रेंड इन पेडागोजी पैराडाइज्म, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिफरेंट टीचिंग मेथड, ट्रेडिशनल में क्या आता है, मॉडर्न टीचिंग मेथड में क्या आता है, ये सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है, पूरा टेबल बना के दिया हुआ है, ठीक है, फिर शॉर्ट फिर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट मेथड को इजीली याद करने के लिए टेबल बनाया गया है, एम्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, डिफरेंट जो रिकमेंडेशन जो है उसके बारे में, टीचिंग एड के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, इवैल्यूएशन सिस्टम, लेसन प्लान कैसे लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिलोसफी जो है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, उन सब के बारे में दिया हुआ है, फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में दिया हुआ है, एजुकेशनल एम, बेसिक टीचिंग मॉडल, ये सब चीज़ तो है, जो है तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है। तो इसको मेरे हिसाब से ना एक दिन में तो कवर किया जा सकता है, लेकिन आप जो है 2 या 3 दिन लगा सकते हो इस चीज़ के लिए। तो 13th, 14th और 15th डे में आप क्या करोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक पढ़ोगे, प्लस आप इसके साथ साथ क्या करोगे, प्लस इसके साथ साथ इंग्लिश का जो है वोकैब प्रैक्टिस, वोकैबुलरी, ठीक है, प्लस जो है आप नॉर्मल जो ग्रामर का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे इसी बुक में से या फिर टेस्ट सीरीज में से, ठीक है, इंग्लिश का क्या करो, वोकैबुलरी, ग्रामर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में से करोगे, बुक में से करोगे, कोई एक्स्ट्रा भी बुक लाइक लूसेंट वगैरह का कोई बुक आप रखे हो तो वहाँ पे भी वो भी आप जो है फॉलो कर सकते हो इसके लिए। तो और प्लस रीजनिंग भी है, रीजनिंग एबिलिटी में आप क्या करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे विथ ट्रिक्स यूज करके, ठीक है, आप डिफरेंट ट्रिक्स यूज करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, और इसमें आपको फास्ट होना है, क्योंकि लास्ट ईयर का एग्जाम अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ईजी थे बट लेंदी थे, टाइम टेकिंग थे, ठीक है, ईजी थे बट लेंदी और टाइम टेकिंग थे, इसीलिए आपको फास्ट होना पड़ेगा, और फास्ट होने के लिए आपको रिगरस प्रैक्टिस करना है रीजनिंग का। तो 13, 14 और 15 डेज में टीचिंग आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, 2-2 घंटा, 6 घंटा आपका होगा, इंग्लिश का वोकैब एंड ग्रामर प्रैक्टिस करोगे, प्लस क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज से, प्लस रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, एंड विथ ट्रिक लगा के, जो हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस ले चुके हैं बच्चे, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो सर जो ट्रिक्स आपको बताते हैं, ठीक है, रीजनिंग मैं नहीं पढ़ाता, रीजनिंग दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको बता रहा हूँ, तो जो ट्रिक्स आपको सर बताते हैं उन ट्रिक्स को यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो होमवर्क में सर देते हैं या टेस्ट के अंदर सर ने दिया है, वीकली टेस्ट में दिया है, उसको प्रैक्टिस करो बहुत सारा, एंड आपको फास्ट होना पड़ेगा रीजनिंग में, क्लियर। तो 13, 14, 15 डेज में आप रीजनिंग का बहुत सारा क्वेश्चन विद ट्रिक प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश का वोकैब प्रैक्टिस करोगे, क्लियर। इस तरह से तुम्हारा 15 डेज हो गया, ठीक है, 15 डेज। अभी भी आपका कुछ टॉपिक बचा हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो क्या है, अभी भी कुछ टॉपिक जो बचा हुआ है वो क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो वो देखो तुम्हारा है लाइक एक ये टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जीके बोल सकते हो, एंड करंट अफेयर्स,
जीके एंड करंट अफेयर्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, ये वाला टॉपिक है। इसको मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा, ये जो है नेक्स्ट 5 डेज तक आप पढ़ो, 5 डेज तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है मिस होने का चांस हो सकता है, नहीं तो और कहीं से नहीं। जो 2 ईयर बीएड वाले बच्चे हैं वो क्या पढ़ेंगे, थोड़ा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन एंड आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड आईसीटी के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा मटेरियल जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने क्लासेस वाले ग्रुप में, ठीक है, किसने क्या बोला था, हु सेड व्हाट, जो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, हु सेड व्हाट फिलोसफी किसने क्या बोला था, ये जो नेक्स्ट 5 डेज तक पढ़ोगे, मतलब यहाँ पे 16 to 20, ठीक है, 16 to 20th डे के अंदर आप जो है ये करंट टॉपिक कम्युनिकेशन आईसीटी व्हाट जो सेड, मतलब जो देखो मैंने अभी तक जो बताया ना आपको 15 दिन तक जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो लास्ट 15 डेज तक का जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, इसमें आपका 25 क्वेश्चन आ जाएगा, पूरा 25 क्वेश्चन आ जाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, ये वाला जिसकी आप जो है इंग्लिश में कहाँ गया, ये वाला जो मैंने आपको बताया था ना इंग्लिश का, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया किस तरह से करोगे। मैंने आपको यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में बताया था 25 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो, वो 15 दिन के अंदर जो पढ़े हो ना उसमें 25 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 50 मार्क्स आपका हो गया। बाकी जो नेक्स्ट जो तुम्हारा चीज़ है, उसके लिए तुमको जो है यहाँ पे ये जीके करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। ये सब अगर अच्छे से पढ़ते हो ना तो इवन टीचिंग एप्टीट्यूड में 30 out of 30 questions करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 30 out of 30 questions करेक्ट हो सकता है। तो 16 to 20th नंबर डे पे आप क्या करोगे कि जीके करंट अफेयर कम्युनिकेशन आईसीटी किसने क्या बोला था ये करोगे, प्लस इसके रिलेटेड MCQs करोगे टेस्ट सीरीज में से, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज आपको दिया गया है या लोगे आप लोग उससे जो है आप ये वाला चीज़ करोगे, क्लियर। और इसके साथ साथ आप सेम इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन एक और बार कर लेना। ये जो 5 दिन है ना, ये जो 5 दिन 16 to 20 days का हम लोग बात करेंगे, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप जो है प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो हमसे लेके, सेक्शन वाइज टेस्ट या टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, प्लस जो है आपका रिविजन कर सकते हो, एक बार रिगरस रिविजन या फर्स्ट रिविजन कर सकते हो 16 से 20। एंड रीजनिंग एबिलिटी में सेम चीज़ है, सेक्शन वाइज टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना, रिविजन करना, ठीक है, 20 दिन आपका चला गया, ठीक है, आपका 20 दिन चला गया। अभी जो आपका लेस्ट, मतलब नेक्स्ट जो तुम्हारा 10 डेज बचा हुआ है, नेक्स्ट जो तुम्हारा पास कितना दिन बचा है, 10 डेज। अब इस 10 डेज में क्या करोगे, फुल लेंथ टेस्ट देना है, दिन में 2 at least आपको देना है फुल लेंथ टेस्ट, दिन में 2 full length tests, मतलब 4 घंटा प्लस, मतलब दिन में दो फुल लेंथ, 4 घंटा दोगे, 4 आवर चला गया। बाकी जितना टाइम जो गलती यहाँ पे हो रहा है, अच्छे से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी जो 10 दिन आपके पास बचा है, डेली फुल लेंथ टेस्ट देना, दिन में 2 full length tests देना, 4 घंटा आप खाली टेस्ट में चला जाएगा, मान के चलो 5 घंटा चला जाता टेस्ट में, बाकी जो 2 से 3 घंटा आपके पास बचा है, यहाँ पे जो मिस्टेक्स आपके हुए हैं, उन मिस्टेक्स को देखो, रेक्टिफाई करने का कोशिश करो, ओके। तो नेक्स्ट 10 डेज में जो आप टेस्ट दोगे, डेली 2-2 टेस्ट दोगे, मतलब 20 टेस्ट आप दोगे, तो उस टाइम में जो भी मिस्टेक्स आपसे हो रहा है उसको देखो एंड अकॉर्डिंगली जो है आप रेस्ट ऑफ द टाइम में अपना मिस्टेक्स को करेक्ट करो, ठीक है, जहां दिक्कत है उसको करेक्ट करो, जो आपका वीक एरियाज होगा उसको स्ट्रेंथन करो, ठीक है, क्लियर, जो आपका वीक एरियाज होगा उसको स्ट्रेंथन करोगे, जहाँ पे आप वीक हो उसको क्या करोगे, उसमें मेहनत करोगे, ठीक है, उसमें आप मेहनत करोगे, उसको स्ट्रेंथन करोगे, वर्क ऑन दोज पर्टिकुलर वीक एरिया, ठीक है, उसको आप स्ट्रेंथन करोगे, मेहनत करोगे, जहाँ डाउट है डाउट पूछोगे हमसे डायरेक्टली, सर ये डाउट हो रहा है हमको बताओ, ठीक है। तो ये जो लास्ट 10 दिन होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है, 20 full length tests at least आपको देना है, ठीक है, 20 full length tests at least आपको देना है, ठीक है, तो आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो हमारे स्टडी मटेरियल लिए हैं, ठीक है, जो हमारा स्टडी मटेरियल का 1500 या 1600 वाला पैकेज जो लिए हैं, उनको जो है 20 full length tests मिल जाएगा, ठीक है, 20 full length tests मिल जाएगा एंड 30 जो है सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेगा, तो ये जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने 1500 का मटेरियल लिया हुआ है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 1500 या 1600 पे करके अगर आपने मटेरियल लिया हुआ है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये टेस्ट मिल जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे बताया उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको सारे टेस्ट मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक्स्ट्रा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे 6000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, वो भी आप चाहो तो ले सकते हो। एंड जो 1000 वाला स्टडी मटेरियल लिए हैं या फिर अमेजोन पे 1200 से 3 बुक जो लिए हैं, उनको सिर्फ 30 टेस्ट मिलेगा, 30 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 online tests free, ठीक है, हर एक बुक में लिखा हुआ है 10 online tests free and 10 online tests free, 3 बुक में 30 आपको टेस्ट मिलेगा, तो 30 टॉपिक वाइज टेस्ट तो मिलेगा लेकिन फुल लेंथ टेस्ट आपको परचेज करना पड़ेगा, आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपेरेशन कर सकते हो। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी था 30 डेज का, इस हिसाब से 30 डेज में आराम से प्रिपेरेशन हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ क्या क्या मैंने आपको बोला। आपको पहले 6 डेज में फर्स्ट राउंड लगाना है, ठीक है, फर्स्ट राउंड, राउंड 1 में सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है,
सेकेंड नेक्स्ट जो तुम्हारा सिक्स डेज होगा, सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, रिविजन करना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में बेसिक रीडिंग है, ठीक है, बेसिक पढ़ना है। सेकेंड में रिविजन प्लस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया, नेक्स्ट तीन डेज का मैंने बताया, जिसमें आपको मेनली टीचिंग एप्टीट्यूड टाइम देना है, ठीक है। राउंड थ्री में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड टाइम देना, प्लस अदर का रीजनिंग एंड इंग्लिश का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड ये 15 डेज हो गया। नेक्स्ट 5 डेज में मैंने ये बताया कि राउंड फोर जो है, राउंड फोर तो नहीं, मतलब नेक्स्ट तुम्हारा जो है फोर्थ राउंड बोल सकते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड का जीके एंड करंट अफेयर्स वाला पर्सन तुमको कवर करना है एंड इंग्लिश एंड रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। तो ये तुम्हारा 20 डेज में हो गया। 10 डेज जो है तुम्हारा, उसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट देना है, ये एटलीस्ट आपको देना है 20 फुल लेंथ टेस्ट। 20 तो फुल लेंथ टेस्ट आपको डेफिनेटली देने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आई होप आपका ये जो है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको प्रैक्टिकल लगा। जो मैंने बताया, मैं एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया, क्योंकि दिन में 8 आवर्स, ठीक है, दिन में 8 आवर्स टाइम देना अभी जरूरी है। 30 डेज, सिर्फ 30 डेज के लिए आपको दो, ठीक है, सिर्फ 30 डेज के लिए 8 आवर्स टाइम दोगे तो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। ये बहुत जो मतलब हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है ना, उनके लिए है, ठीक है। जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है, जो चाहते हैं कि डेफिनेटली मेरा इस एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, उनके लिए स्ट्रैटेजी है, ठीक है। बाकी जो कम पढ़ाई करते हैं, दिन में 4 घंटा 5 घंटे से पढ़ते हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी नहीं, उनके लिए 50 डेज वाला स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा उनको, ठीक है। ये जो मैंने 30 डेज स्ट्रैटेजी बताया, ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिससे मैं 6 दिन में पूरा आपका बेसिक कवर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 6 दिन में आपका रिविजन एंड रिमेनिंग पोर्सन कवर होगा, 3 दिन में आपका एक्स्ट्रा जो है वो कवर होगा, 5 दिन में जीके करंट अफेयर के साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एंड नेक्स्ट 10 डेज में आपका जो है पूरा फुल लेंथ टेस्ट देना है। ये जो तुम्हारा पहला 6 डेज में कोई टेस्ट नहीं देते तो भी चलेगा, जो नेक्स्ट तुम्हारा ये 12 दिन है ना, इसमें तुम सेक्शनल टेस्ट सारा दे सकते हो। सेक्शनल टेस्ट 12 दिन में ना, हम लोग 120 टेस्ट प्रोवाइड करते हैं आपको, 120 टेस्ट, दिन में 10 टेस्ट दे सकते हो आप टाइम निकाल के, ठीक है। जितना पढ़ना चाहो उतना हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, पढ़ने का काम सिर्फ आपका है, ठीक है। पढ़ोगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, क्लियर है। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपका यहाँ पे हमारा नंबर है 7327813135, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टडी मटेरियल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, वहाँ पे जाके स्टडी मटेरियल को ऑर्डर कर सकते हो। वहाँ पे तुमको 1200 रुपया दिखाएगा अमेजोन का, लेकिन डायरेक्ट अगर कोई लेना चाहता है, हम पे ट्रस्ट करता है, तो डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हो। डायरेक्ट ऑर्डर करना कैसे होता है कि आप फोनपे या गूगल पे के थ्रू हमको पेमेंट करोगे, फिर हम आपके पास स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देंगे, नो मिडिल मैन इन्वॉल्व, हम और आप सीधा, हमको पेमेंट करोगे, हम आपके पास भेजेंगे, आपके पास मटेरियल जाएगा, तो 1000 रुपये में आपका मिल जाएगा, 200 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अमेजन के थ्रू आप अगर लोगे तो आप अमेजन को पेमेंट करोगे, फिर अमेजन जो हमारे पास आएगा, अमेजन फिर आपके पास देगा, तो मिडिल मैन इन्वॉल्व है, उसको भी पैसा कुछ चाहिए ना अपना काम को ऑपरेट करने के लिए, तो इसलिए अमेजन में 1200 रुपये लगता है। आपको जैसे मर्जी है, कैश ऑन डिलीवरी अगर आपको कराना है तो अमेजन पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन आपको जो ट्रस्ट का जो इश्यू है वो दूर हो जाएगा, क्लियर है। बाकी जो हम पे ट्रस्ट करता है डायरेक्टली ऑर्डर कर सकता है, इट्स अप टू यू। बाकी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा ये नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट करना है, 30 डेज में प्रिपरेशन हो जाएगा। बहुत ही कम प्राइस में हम आपके अभी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना प्राइस था वो डिक्लाइन हो चुका है प्राइस, तो कॉन्टैक्ट करने पर आपको जो है जो लेटेस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो आई होप जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया वो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है एंड आपको काम में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्लियर है। इस तरह से पढ़ाई करोगे तो RIC एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होगा। एंड मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ 500 स्टूडेंट्स, ठीक है, ओनली 500 स्टूडेंट्स ये वाला स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सोशल मीडिया जो यूट्यूब में नॉर्मली देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इधर उधर से वीडियो, वो नहीं कर पाएंगे। जो सीरियस 500 से या फिर इससे 1500 या 1000 स्टूडेंट्स ही, ठीक है, सीरियस है, मेरे हिसाब से 500 स्टूडेंट ज़्यादा सीरियस होंगे जो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स यूट्यूब से यहाँ से कुछ मिल गया वहाँ से कुछ मिल गया ऐसे करेंगे ना, टाइम वेस्ट होगा आपको ढूंढने में, ठीक है। मैं एक सच बता रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद रियलाइज करना, इस एग्जाम खत्म होने के बाद ना कोई कोर्स मत लो, नो बुक्स मत लो, कोर्स मत लो, आप देखना कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया या नहीं किया, कितना टाइम ढूंढने में गया, कितना टाइम पूछताछ करने में गया, ठीक है, यहाँ से कुछ मिला वहाँ से कुछ मिला, ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन कर लिए वहाँ से कुछ, इधर से एक वेबसाइट से उधर से, ये सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है, क्योंकि आप बहुत कम जो टोटल कोर्स ना अभी हम लोग 4000 में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज सब कुछ है, इससे भी कम अभी होगा, ठीक है, प्राइस इससे भी कम होगा, तो इतना कम प्राइस है आपके लिए जिससे आप इतना बड़ा कोर्स कर सकते हो, जिससे महीने में आपको 80,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ 4000 रुपये ये करने से, मतलब इसका कोर्स ज्वाइन करने से, अगर आपको 80,000 प्लस का इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी, जो हमारे टाइम में 80,000 है, आपके टाइम में और ज़्यादा, इवन 1 लाख तो हो सकते हैं,
तो इतना कम प्राइस पे करने में इतना बड़ा अगर आपको अचीवमेंट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है कि आप अपना टाइम को वेस्ट करना चाहते हो या ट्रायल करना चाहते हो या डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो। जो डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए हम अवेलेबल हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, क्लियर है, ओके। बाकी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप वहाँ से मंगा सकते हो, पूरा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे बुक्स मिल जाएगा। ये तीनों बुक है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये तीनों बुक मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी का बुक सितंबर के महीने में हमने बनाया था आरए के साथ बात करने के बाद, ये तीनों बुक, ठीक है, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का बुक और ये टीचिंग एप्टीट्यूड का बुक, ये तीनों बुक आपको मिलेगा, ठीक है, 1000 में हमसे एंड 1200 में अमेजन से मिल जाएगा। डेफिनेटली इसको ऑर्डर करके पढ़ाई कर सकते हो, बेस्ट बुक है, आपको हेल्प करेगा आरआईसी के एग्जाम में। सिर्फ आरआईसी नहीं, जो स्टेट बेड के लिए प्रिपरेशन करें उनको भी, सीयूटी के लिए भी, आईटीपी जो होने वाला है आगे उनको भी हेल्प करेगा, सीटेट, स्टेट टेट, केवीएस, एनवीएस, डीट्रीपलएसपी, जितने सारे एग्जाम मैंने क्रैक किया ना, ये सारे एग्जाम का लिस्ट मैंने दिया हुआ है। स्टेट बेड तो मैंने नहीं किया, सीयूटी नहीं था हमारे टाइम में, आईटीपी नहीं था, आरआई मैंने क्रैक किया, बाकी सारा एग्जाम भी मैंने क्रैक किया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो वो जो मैंने क्रैक किया वो सारा एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मैंने बुक बनाया, आप डेफिनेटली परचेज करके पढ़ाई कर सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये बताऊंगा कि ये स्टडी मटेरियल सेट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं तो आपको सजेस्ट करता रहूँगा, इस तरह से बताता रहूँगा, हेल्प करता रहूँगा। कितना फॉलो करना है, कौन कितना फॉलो कर रहा है उसके ऊपर है, एग्जाम होने के बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो को अभी एंड करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड जो भी डाउट है पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू, जय हिंद।